नमस्ते, मैं इकास स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स की पजल को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली पजल को स्टार्ट करते हैं। तो ये पजल हमको यहाँ पर दे रखी है कि यहाँ पर 12 और 8 से आंसर आ रहा है 80 या 16 और 7 से आ रहा है 207। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। 25 और 21 को सोल्व करने पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर क्या आएगा, तो देखते हैं इसका लॉजिक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको 80 लाना है, इन दोनों नंबर का यूज करके 80 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? तो इस तरह की जो ट्रिकी पजल्स होती है उसको सोल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा कि 12 और 8 की बात करेंगे, इन दोनों नंबर का हमको यूज करना है। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है 12 और 8 लिखा है, और यहाँ पर भी वापस से लिख दिया 12 और 8 लिख दिया। जो नंबर लिखा हुआ है उसको दो बार लिखा, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, और दोनों को आपस में कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये इसको सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा। तो 12 और 8 हो जाएगा 20 हो जाएगा, इनटू 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सेम लॉजिक बाकी पर भी अप्लाई करके देखते हैं। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 7 एंड 16 माइनस 7 हो जाएगा। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस करने पर आता है 23 आता है, माइनस करने पर आता है 9 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 207 आ जाएगा, 207 आ जाएगा। लास्ट इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो 25 प्लस 21 करेंगे फर्स्ट बार, सेकंड बार क्या करेंगे 25 माइनस 21 करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो प्लस करने पर ये आता है 46 आता है, 46 आता है, और माइनस करने पर आता है 4 आता है, और 46 इनटू 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 184 आ जाएगा, 184 आ जाएगा। यानी इस ट्रिकी पजल का आंसर हो जाएगा 184 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी आज की मैथमेटिक्स की पजल अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।